त्वं नटसि ननु वामेव विभूता वियाद व्यापी तारा गण गुणी तफे नोत गम रुचि प्रवाहो वारम्या पृषतलगुदृष्टा शिरसिते जगद्वीपाकारं जगन्महिमदे व्यं तव वपुरतः क्षोणीयन्ता शतधृतिरगिन्द्रधनुरथो रथाङ्गे चन्द्रार्को रथचरणपाणीशर इति विधाक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमढम्भरविधिर्विधिर्ये क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्रा प्रबुधिया हरिस्ते सा अस्त्रं कमलवलिमर्मा प्रलति पुरुषा राधनामृतयता वाद्वान्दृढपरि करः कर्म सुजनं क्रियाधक्षो दक्षं प्रियवर्ति संवा सहस्वदन कुमरो यश गावे हसके श्रीपति कंठ लगा सनकादिक ब्रह्मादि मुनि सा नारद शारद सहित हे यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि गोविंद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राज पद देना तुमरो मंत्र वेशन माना लंकेश्वर सब जग जाना युग शास्त्रियो जन पर बानो लील्यो ताहि मधुर फल जान प्रभु मुद्रिका मिलि मुख माहि जल दिलांग गे रज नाहि दुर्गम काज सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम द्वारे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिनु पैसा रे सब सुख लाए तुम्हारे शरण तुम रक्षक का हो डरन आपन तेज सवारो आपे तीनों लोक हाथ ते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनाव नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ाए मन क्रम वचन ध्यान जोला सब पर राम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे तो ही अमित जीवन बल पावे चारों युग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत यजयार साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम द्वार अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता सबर दीन जान के माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम जी को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवरपुर जाए यहाँ जन्म हर भक्त कहाए और देवता चितन दरई हनुमत से ही सर्व सुख करई संकट कटे
मिटे सब पीरा, तो सुमिरे हनुमत बलबीर। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाई। जो सत बार पाठ कर कोई छूटे ही बंदी महा सुखी हो। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हो सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेर। पवन तन्य संकट हरन मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता जी सहित हृदय वसो सर्वोपसियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नमोस्तु नन्ताय सह ॐ यज्ञेन यज्ञमय यन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमन्या सन्ना तेहनाकं महिमा सामे कामान काम कामाय महिम कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय विश्रवणाय महाराजाय नमः। धमते ने विष्णुयाम देवा भद्रं पश्ये माक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्वं सस्तनुभिर्वशे महि देवहितं जदायो गुरुर्ब्रह्मा वे नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। आनन्दकन्द भगवान् श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, आनंद कंद भगवान, हर हर हर। उपस्थित भक्तजन, भक्ति स्वरूपा माताएं, आज दीपावली का शुभ अवसर है। सबके लिए मंगलदायक हो, कल्याणकारी हो, उत्तरोत्तर उन्नति कराने वाला हो। हमारे शास्त्रों में महारात्रि के नाम से दीपावली, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, रामनवमी, चार रात्रियां विख्यात होती हैं। ये चारों महारात्रि के नाम से विख्यात होती हैं। इन रात्रियों में मध्य रात्रि के समय जो भी बहुत से कल्याण चाहने वाले अपना सिमरण पूजन करते हैं, तांत्रिक लोग होते हैं, वो अपनी तंत्र को सिद्ध करने के लिए दीपावली की रात्रि में अपना जप तप क्रिया करते हैं। क्योंकि भगवान श्री राम वनवास काट करके भी दीपावली के अवसर पर ही अयोध्या में लौटते हैं। अयोध्यावासी भगवान श्री राम की आगवानी करके
खूब खुशियाँ बनाई जाती हैं और अनेक प्रकार के पटाखे आदि भिन्न भिन्न चीज़ें उत्सव के रूप में फटाने, मिठाई इत्यादि खानी खिलानी की जाती है। तो दीपावली के नाम से ये पर्व विख्यात हुआ, वर भी है। वर भी होता है कि इस रात्रि में जो तपस्या पाठ पूजा की जाती है वो अवश्य ही जो है फलदायक होती है, सिद्ध होती है। इसीलिए तो तांत्रिक लोग जो है दीपावली की रात्रि में अपने जो पूजा के उनके प्रयोग इत्यादि होते हैं वो सिद्ध करते हैं। शिवरात्रि के दिन भी भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को दीक्षा दी थी, इसीलिए वो महारात्रि भी विशेष करके दीक्षा के लिए बहुत जो है विख्यात है, क्योंकि भगवान का वर भी है। दीक्षा आदि उस दिन ली हुई दी हुई अवश्य ही सफल होती है और इसी प्रकार से जन्माष्टमी का जो महारात्रि है वो आप लोग जानते हो, भगवान श्री कृष्ण के अवतार का अवसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राम नवमी के दिन भी इसी प्रकार से भगवान श्री राम के अवतार दिवस के रूप में मनाया जाता है। संसार के अंदर जो कल्याणकामी होते हैं, जो अपने देखो दो प्रकार का उद्भव उन्नति होती है, एक तो होती है कि शारीरिक दृष्टि से व्यक्ति की उपाधिकृत उन्नति, तो शारीरिक दृष्टि से उपाधिकृत शरीर की उपाधि से जो होने वाली उन्नति है तो ये तो संसारिक परिश्रम करने से अर्थात संसारिक लौकिक बल से व्यक्ति जो है प्राप्त कर सकता है, परंतु जो परलौकिक
उन्नति है। परलौकिक उन्नति के लिए तो बहुत कठिन है कि हम लौकिक बल से उसे पा सकें। बड़े बड़े धनपति, बड़े बड़े रावण, दुर्योधन, सिकंदर आदि की तरह बलवान इसमें असफल हो गए और एक तनिक भी जो है इस पर विजय सफलता प्राप्त नहीं कर सके। क्योंकि उसके लिए हमें परलौकिक उन्नति के लिए संसारिक लौकिक बल से सफलता नहीं मिल सकती होती है। उसलिए हमें आध्यात्मिक बल ही चाहिए होता है। आध्यात्मिक बल के लिए कहते हैं क्योंकि परिश्रम व्यक्ति कर सकता है लेकिन सफलता प्राप्त करना ये व्यक्ति के हाथ में नहीं हो सकती है। परिश्रम तो रावण जैसे ने बहुत किया, युद्ध के लिए रावण ने अपनी सेना को मरवा डाला, भाई बंधु को मरवा डाला, पुत्र आदि नातियों को मरवा डाला, लेकिन फिर भी सफलता रावण को नहीं मिली। क्यों? भगवान का कथन है कर्म करना तुम्हारे हाथ, फल देना तुम्हारे हाथ नहीं मेरे हाथ। कर्म के फल देने के नियंता जो हैं मनुष्य कभी नहीं हो सकता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मों को करने में ही तेरा अधिकार होना चाहिए, कर्म के फल में नहीं। कर्म का फल तो उस ईश्वर अविनाशी के द्वारा ही निर्धारित होता है। इसीलिए ये जितने भी बड़े बड़े विख्यात जो है बलवान, रावण आदि सब जो हैं पराजित हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए और सफलता हुई तो आध्यात्मिक बल की। आध्यात्मिक बल वाले हैं भगवान श्री राम। आध्यात्मिक बल वाले भगवान श्री राम थे। उनके आगे ये सारी जितनी भी सेना थी इनकी, असुरों की, राक्षसों की,
मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। मनुष्य को भी चाहिए कि जीवन के अंदर आध्यात्मिक बल का संग्रह करना चाहिए। अपने लाइफ में इस चीज को जो है अवश्य ही संग्रह करना चाहिए, जिससे आध्यात्मिक बल जो है उदय होता है, बढ़ता है। उसमें सबसे महान तो होता है ज्ञान, लेकिन ज्ञान भी कैसा, सदाचार युक्त ज्ञान। सदाचार से रहित जो ज्ञान है सदाचार से रहित जो ज्ञान है वो किसी लाभ का नहीं होता है। फिर दूसरे नंबर पर आ जाता है पूजा, जप, तप, इनसे भी जो है हमारा आध्यात्मिक बल जो है बढ़ता है। स्वाध्याय कहते हैं, जैसे शारीरिक बल की वृद्धि होती है हम पौष्टिक चीज खाएं, बढ़िया बढ़िया दूध, दही, घी, फल इत्यादि पौष्टिक चीज़ें खाते हैं तो उससे वृद्धि होती है शारीरिक बल की। और जो मानसिक बल होता है, मानसिक बल की वृद्धि के लिए होता है शास्त्र का चिंतन। शास्त्र चिंतन से मन की बल की वृद्धि होती है। जिसका मन बलवान होता है वही तपस्या में, ज्ञान में, ध्यान में टिक सकता होता है, स्थिर रह सकता है। इसीलिए कहते हैं सबसे पहले मनोबल बलवान बनाना चाहिए कि शास्त्र चिंतन, शास्त्र ज्ञान। और मनोबल जिसका होगा अच्छा वो अवश्य ही जो है आध्यात्मिकता के अंदर टिक सकता है, स्थिर रह सकता है। जिसका मनोबल नहीं होता है, जैसे आजकल के भक्त लोग होते हैं, कभी हिंदू धर्म, कभी क्रिश्चियन धर्म, कभी और कोई धर्म, कभी ये पंथ, कभी ये पंथ, कभी ये पंथ, क्यों? मनोबल नहीं है, टिक नहीं सकते। जैसे किसी व्यक्ति का शारीरिक बल नहीं होता है वो खड़ा नहीं रह सकता है। बुढ़े बुढ़े होते हैं ना, देखो
कमज़ोर हो जाते हैं, खड़े नहीं हो सकते, दो आदमी पकड़ के उठाते हैं, क्योंकि उनका शारीरिक बल कमज़ोर है। इसी प्रकार से जिनका मानसिक बल कमज़ोर होता है, मानसिक बल कमज़ोर वालों की यही दशा होती है कि वो आध्यात्मिक बल संग्रह करने में खड़े नहीं हो सकते, विचलित हो जाते, इधर उधर भागने लग जाते हैं, जो कि उचित बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। इसलिए मनोबल बनाना चाहिए, श्रद्धा, तपस्या, नाम सिमरन, फिर ज्ञान, उसमें जो है स्थिर रहने के लिए ज़रूरत होती है। और बड़े बड़े योद्धा जो हैं आध्यात्मिक बल ना होने के कारण पराजित विचलित हो गए, लेकिन आध्यात्मिक बल वाले भक्त जो हैं, तपस्वी जो हैं, ऋषि मुनि जो हैं, वो उसमें स्थिर होने के कारण जो है इस संसार सागर से पार हो जाते। तो इसलिए कहते हैं जो बहुत से दिनों में सिमरन, तपस्या आदि जप तप करके विसिद्ध नहीं होता है, वो इन अवसरों पे सूर्य ग्रहण के समय, चंद्र ग्रहण के समय, इन महारात्रियों के दिन हमारा सिद्ध हो जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए। लोग इसे दूसरे रास्ते में ले जाते हैं, कई तो पीने पाने में लगे रह जाते हैं, कई वो पुरानी आदत जुए आदि खेलने में लगे रह जाते हैं, कई खाने खाने में लगे रह जाते हैं। पिछली बार हम आए थे तो 1 जनवरी पे तो मैंने लड़के जो गाड़ी में बैठे थे, मैंने कहा भाई देखो रास्ते में ज़्यादा लाइन भीड़ कहाँ पर है। तो जब दुकान आती शराब की तो लड़के कहते हो देखो देखो स्वामी जी बाहर शराब की दुकान पे कितनी लंबी लाइन है। अरे अगर कोई विशेष दिन है, पर्व है, अवसर है तो उस दिन तो कम से कम तुम थोड़ा ध्यान रखो। कोई विशेष दिन है, पर्व है, अवसर है उस दिन तो थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। कम से कम उस दिन तो गंदगी नहीं फैलाएं। तो अज्ञानी लोग इस प्रकार से पूरी आयु ही वृथा बिता जाते हैं, तो उनके लिए तो ये विचार नहीं बन पाता। लेकिन सीखना चाहिए, समझना चाहिए और इन अवसरों को हाथ से गंवाना नहीं चाहिए।
तो आज जो है इस दीपावली के अवसर पर सबको आशीर्वाद अपना ठीक है। रात्रि को जो है जप करो, थोड़ा पूजन पाठ करो, हवन इत्यादि कर सकते हैं वो करें। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत इति श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। तो उस दिन तो कम से कम तुम थोड़ा ध्यान रखो, कोई विशेष दिन है, पर्व है, अवसर है, उस दिन तो थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। कम से कम उस दिन तो गंदगी नहीं फैलाएं, तो अज्ञानी लोग इस प्रकार से पूरी आयु ही वृथा बिता जाते हैं, तो उनके लिए तो ये विचार नहीं बन पाता। लेकिन सीखना चाहिए, समझना चाहिए, और इन अवसरों को हाथ से गंवाना नहीं चाहिए। तो आज जो है इस दीपावली के अवसर पर सबको आशीर्वाद अपना ठीक है। रात्रि को जो है जप करो, थोड़ा पूजन पाठ करो, हवन इत्यादि कर सकते हैं वो करें। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत इति श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण आनंद कंद भगवान की जय। हरे हरे हर मारे। आयो मुझे बोले नाथ आयो दुखन जो आधार
ओम नमो नमः
यार ये लख लख माता है। अरे यार ये तो बंद हो पा रहे। अरे ये ऐसे नहीं चलाओ यार। थोड़ा ऐसा पर क्या हो गया भाई? हेलो 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 माँ साइन 15-20 मिनट है चल के चलो
स्वामी जी महाराज की जय। स्वामी जी महाराज की हम लोग
अनिल भाई थोड़ा पर।